नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई से। जी हाँ साथियों, दुबई वे से इंडिया आने वाले या फिर छह कंट्री आने वाले या फिर इन छह कंट्री से जाने वाले, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बंगाल भी शामिल है, भाई बांग्लादेश भी शामिल है। इन लोगों के यात्री अगर आप दुबई जाते हैं या फिर इधर से उधर आते हैं, तो आपको साथ में आने जाने के लिए कस्टम जो आपका सामान है उसमें अच्छी सहूलियत मिली है। हालांकि इंडिया की जो एयरलाइंस एक्सप्रेस, इंडिया एक्सप्रेस वगैरह, वो तो 20 केजी तक ही सुविधा दे पा रही है, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। एन वक्त पे उनका वजन 25 किलो हो गया, लाओ जी 200 ग्राम दे दो, 400 ग्राम दे दो, ऐसा सिस्टम फिर चलता है। लेकिन इस फ्लाइट से अगर दुबई की एहतियात, यूए एयरलाइंस एहतियात से अगर आप फ्लाइट करते हैं, टिकट लेते हैं, तो आपको अच्छा बेनिफिट होने वाला है। छह कंट्रीज से रिलेटेड पूरी जानकारी से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको यूएई से रिलेटेड नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एतिहाद एयरवेज ने भारत और पाकिस्तान समेत छह देशों के यात्रियों को सुविधा देने के लिए सामान 50 किलो तक की छूट दे दी है। जी हाँ, लेकिन इसमें आपको सोचने की बात यह है कि ये जो मेन आपका जो सिटी है अबू धाबी, वहीं से अगर आप आते जाते हैं तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। 50 किलो तक आप सामान इधर से उधर लेके जा सकते हैं। छह कंट्रीज में बात करें, सबसे पहले इंडिया, पाकिस्तान, अमान, बेरूत, मिस्र। जी हाँ, मिस्र और पाकिस्तान, इन कंट्रीज के बंदे अगर आप आते जाते हैं एतिहाद एयरलाइंस यूएई से, तो आपको 50 किलो तक का सामान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके आना जाना कर सकते हो। बाकी आपको पता है भाई, इंडिया से एयर इंडिया एक्सप्रेस है 20 केजी ओनली फॉर, आप लेके जा सकते हैं। बाकी अभी तो हो सकता है बढ़ा दिया होगा, 25 किलो कर दिया होगा, लेकिन सबसे कम है। उसके बाद स्पाइस जेट में ठीक है भाई, स्पाइस जेट में 35 किलो 30 किलो तक की छूट है। 30 किलो से ऊपर होते हो तो फिर आपका चार्जर लग जाता है, 2 किलो होते ही लाओ जी 200 ग्राम दे दो। एयरपोर्ट पे मैंने खुद ने लोगों को टैक्स भरते हुए बेचारों को देखा है। आप 2 किलो सामान फेंक नहीं सकते, या फिर ऐसा कुछ होता है पैसा, मतलब सामान वो है 1000 रुपए का, चुकाने पड़े 200 ग्राम यानी 4000 रुपए, लेकिन सामान ऐसा है कि उसको मन नहीं करता, फिर ऐसी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन भाई वी एतिहाद एयरलाइन ने बहुत अच्छी पेशकश करते हुए 50 किलो की सहूलियत दी है। 50 किलो वजन भाई बहुत होता है, मुझे नहीं लगता एक बंदे के पास 50 किलो से ऊपर ज्यादा कस्टम उनका सामान होगा। ये भी अच्छी बात है कि भाई कोरोना काल में जो ये ऑफर दे रही है, इंडियन एयरलाइंस भी देती है और भी देती है, कि भाई ज्यादा सुविधाएं इनको समय समय पे दें, तो जो यात्री हैं वो आकर्षित हो अपनी फ्लाइट लेने के लिए। आपको पता है पहले दुबई की एयरलाइंस ने, जो इमरेट्स एयरलाइंस ने घोषणा की थी कि भाई अगर आप इस फ्लाइट से करोगे, मैंने एक वीडियो भी डाला था, 2 दिन एक रात या 1 दिन 2 रात इकोनॉमी या फिर वो अलग अलग फ्लाइटों के बारे में आपको होटल में रुकने का मौका मिलेगा। लेकिन ये प्रस्ताव बता दूं, या तो इकोनॉमी टिकट आपके पास होनी चाहिए या बिजनेस क्लास टिकट आपके पास होनी चाहिए। दोनों प्रकार की टिकटों के लिए 50 केजी तक आप सामान लेके जा सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस दिए हुए। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।